किस किसने बैकलिंक्स क्रिएट किए हैं? सर मेरा देख लें डैफ पे और मीडियम पे, क्योंकि मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन भी हो रही थी, मुझे नहीं पता कि सही बना भी है या नहीं। दिखाओ जरा, लिंक शेयर करो। लिंक शेयर करूं तो मैं मोबाइल से क्लास ले रही हूँ अभी ना, लैपटॉप चार्ज नहीं था, बंद हो गया था तो आर्टिकल मैं कौन, नहीं ले। आर्टिकल लेकिन कौन सर मैं सा, व्हाट्सएप तो सर मैं करती हूँ। आर्टिकल कौन कौन लिख रहा है, कौन कौन नहीं लिख रहा आर्टिकल? सर मैं लिख रहा हूँ। मैं भी सर। सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, कैसे? वालेकुम सलाम। रमजान ओके, मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा मैं जो है ना वो एक शीट बनाने लगा हूँ, अब डेली की शीट होगी वो। मैंने डेली चेक किया कि ना कौन बंदा आर्टिकल लिख रहा है, कौन बंदा नहीं लिख रहा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। सर बिल्कुल आप चेक करें आर्टिकल, लेकिन सर वो कीवर्ड्स का बड़ा मसला है, कीवर्ड ना नहीं मिल रहे, उनका क्या करें सर। कीवर्ड्स आप कंपैरेटर को देखो, कीवर्ड्स देखो। मैं ज़रूरी नहीं है 1000 से ऊपर का वॉल्यूम हो, आप ग्लोबल वॉल्यूम देखो उसका। सर ये मैंने शेयर कर दी है ग्रुप सो किस किस बंदे को कीवर्ड्स का इशू आ रहा है? पे। सर अभी भी मैंने ना तकरीबन 8:30 से मैं उठा था जी, 8:30 से ना 9:45 तक ना मैंने प्रैक्टिस की, कीवर्ड ढूंढे हैं जी, कीवर्ड नहीं मिल रहे जिनका प्रॉपर डाटा हो। फिर ना मैंने सोचा कि सर से पूछते हैं कोई ट्रिक, जिसमें मतलब कि मैंने ना उसमें फिर चेंजिंग भी काफी सारी करके देखी, उसके अंदर हाउ लगाया, उसके कौन से मतलब कीवर्ड ना दिया एक्सट्रैक्ट जी। कर रहे थे आप? इसके सर इंश्योरेंस वाले, इसके इंश्योरेंस से रिलेटेड सर, इंश्योरेंस और टेक्नोलॉजी। देखो ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है ना वो लिखना इंश्योरेंस ही है, जी आप उससे रिलेटेड वर्ड्स भी लिख सकते हो। मैंने उसके अंदर जो है ना फर्दर कैटेगरीज भी ऐड जी। जी सर वो कैटेगरीज के अंदर जाके भी ढूंढा है सर, जैसे कि वो हमने वो आर्टिकल लिखा था ना कि भाई इससे रिलेटेड की वो मतलब कोई कीवर्ड मिल गया, फिर उसको भी लिख के देखा, लेकिन उसमें फिर ना डाटा नहीं मिल रहा मतलब कीवर्ड का, डेटा नहीं मिल रहा। तो कोई इसमें कोई बेहतर सजेशन दें कोई क्या करें। ओके सो बेसिकली मैं देखता हूँ। ओके सो जैसा से मैं कीवर्ड्स में आ गया, कीवर्ड मैजिक टूल में, एंड फर्दर वी विल गो फॉर। ओके सो यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ। ज़रूरी नहीं है यूनाइटेड स्टेट ही होता भी आप करो, आप यूके यूएस को भी कर सकते हो, यूके आगे ऑस्ट्रेलिया को भी, कनाडा को भी कर सकते हो आप टारगेट। ये ठीक है सर, चैनल कंट्री चेंज करके देखते हैं सर। कंट्री चेंज करके देखो आप। ओके सो जैसा से मैं यहाँ पे सर्च नहीं करता तो हूँ, इसके ऊपर एक वर्ल्ड वाइड का ऑप्शन जो आ रहा है इसको ही ना लगा लें फिर, वर्ल्ड वाइड का भी लगा सकते हो आप, वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा उसमें तो फिर पूरा वो हो कोशिश जाएगा। पूरी करो पहले यूएस यूके में सर्च करो, अगर उधर नहीं मिल रहा देन यू विल गो फॉर द वर्ल्ड वाइड। अब ठीक हो जैसा गया। से ओके मैं इंश्योरेंस मैंने सेलेक्ट कर लिया, केडी सेलेक्ट कर लेते ओके हैं। केडी सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ना लेफ्ट साइड पे आ जाएगा कंपनी, कार इंश्योरेंस एंड फर्दर एंड सो ऑन। तो आपने क्या करना है, अब देखो मेरे पास कीवर्ड्स आ गए, कीवर्ड्स आने के बाद आपने क्या करना है, इसको आपने फिल्टराइजेशन कर लेना, फिल्टराइजेशन कर लेना। पहले ऐसी ऐप को छोड़ दो, सबसे पहले फ़िल्टर करो इसको इजी को, ठीक है, इजी को टारगेट करो। या जो है ना एग्जांपल के तौर पर मैं कहता हूँ कि वो मुझे वो कीवर्ड्स दिखाओ जिनका 1 DR है, ये 1% उसकी जो है ना वो KD है। अब मुझे वो कीवर्ड दिखाएगा जिसकी 1% KD है, 1 KD है। ये देखो ये कीवर्ड ऑलरेडी यूज़ हुआ हुआ है, अब ये कीवर्ड यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन इसके भी देखो 1 है KD, ये देख रहे हो। चेक करने के लिए आपने जो है ना वो लॉगिन कर लेना वेबसाइट के अंदर, वेबसाइट में आने के बाद आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो कि ये कीवर्ड यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ हुआ। ओके सो ये कीवर्ड ऑलरेडी यूज़ हुआ हुआ है तो मैं इस कीवर्ड को नहीं ले रहा। फर्दर जैसा से किया है इसके ऊपर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, देख लेते हैं। इसके ऊपर नहीं है, इसको मैं सेकंड प्रायोरिटी में रखूंगा क्योंकि ये एक नेविगेशनल कीवर्ड है, इंफॉर्मेशन भी है लेकिन ये नेविगेट कर रहा है इस वेबसाइट के ऊपर।
ये भी एक कीवर्ड है एंड फाइव टिप्स रन मनी। हाँ ये एक अच्छा कीवर्ड है, 0 KD है। देखो इस तरह से भी तो आप निकाल सकते हो, मैंने निकाले हैं आपके सामने ही है रिजल्ट्स। इसके ऊपर भी नहीं लिखा होगा, ये भी कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हो। एक ये कीवर्ड हो गया, एक ये कीवर्ड हो गया, और ओपन पाथ लॉग इन। ओके सो ये ओपन पाथ के ऊपर लिखा हुआ है, तो इसके अंदर आप ये कीवर्ड को टारगेट कर सकते हो, ये भी कर सकते हो 780, और इस कीवर्ड को भी लेके टारगेट कर सकते हो। एक ही ब्लॉक के अंदर 3 कीवर्ड्स टारगेट हो सकते हैं। एंड फर्दर ये 700 वाले को भी मैं देख लेता हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि इसका 700 वॉल्यूम है, मैंने इसका कीवर्ड को ओवरव्यू करना है। अगर इसका ग्लोबल वॉल्यूम अच्छा है इसके ऊपर जो है ना मैं टारगेट वॉल्यूम कर सकता हूँ 7500 है, बिल्कुल ठीक है। देखो KDL 0% SRP है, मतलब 700 तो वॉल्यूम है ना, 700 वॉल्यूम है तो मैं इसके ऊपर टारगेट कर सकता हूँ इस कीवर्ड को, क्योंकि सर्च रिजल्ट्स में तो ज़ीरो है, SRP है ही कोई नहीं, इससे रिलेटेड रिजल्ट ही नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छा कीवर्ड है। अदरवाइज़ इसको सेकंड प्रायोरिटी पे रखते हैं, एक और रखते हैं जैसा से ये हाउ टू गेट द बैनवीज कवर बाय इंश्योरेंस, एक ये कीवर्ड है, इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब ज़रूरी नहीं है कि 1000 वाला वॉल्यूम ही लेना है, ठीक है। अब ये 800 वाला वॉल्यूम भी है, हालांकि 590 आ रहा है, लेकिन ग्लोबल वॉल्यूम उसका 800 भी है, और इसका SRP बहुत ज़्यादा है, तो इसको फ़िलहाल सेकेंड प्रायोरिटीज़ में रखा जाएगा। लेकिन इस कीवर्ड को सबसे पहले ये अच्छा, गूगल जो होता है ना वो बहुत स्मार्ट हो गया भाई। अब गूगल क्या करता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने जो कीवर्ड लिखा हुआ है उसी के ऊपर आपको सर्च रिजल्ट शो करवाता है, ठीक है। वो आपके जो आर्टिकल है वो दूसरे वर्ड्स के ऊपर भी रैंक करता है, ठीक है। अब ये देखो बंदे ने लिखा 13, इसके ऊपर जो है ना वो DR है, 24 DR है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 20 DR वाली वेबसाइट अगर रैंक कर रही है तो मैं इस कीवर्ड को टारगेट करके आगे लेके जा सकता हूँ, और उसके अंदर ये वाले भी जो है ना वो क्वेश्चन आंसरिंग सेशन डाल सकता हूँ। इस कीवर्ड में अभी भी पोटेंशियल है, मैं इसको चेक करके काम कर सकता हूँ। शो वॉल्यूम करूँगा, आई थिंक ये वाला हो चुका है, किसी ने किया हुआ है ये वाला, हाँ मेरे ख्याल में कंफर्म कर लेते हैं। सर कोई टूल का भी इशू हो सकता है सर, जहाँ से हमने टूल लिया उनके पास डाटा इसका सही ना हो सैमरेश का? मोस्टली सही डाटा होता है, सबके पास सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं। नहीं, इसके ऊपर किसी ने नहीं लिखा हुआ, ये कीवर्ड आप लेके काम कर सकते हो। देखो अभी देखते देखते मैं आपको 3 से 4 कीवर्ड्स बता चुका हूँ जिससे अभी तक किसी ने सेलेक्ट नहीं किए, देख रहे हो। इस तरह से सर्चिंग्स करनी है आपने कीवर्ड्स की। ओके सो जैसा से अब ये है प्रोफर वांट्स में टू साइन सर, माशाल्लाह से आपको बरकत वाला हाथ है, हमारे हाथों से तो कुछ भी नहीं। देखो ऐसी बात नहीं है, आपको मैं इसी वजह से ट्रेन कर रहा हूँ कि आप जो है ना वो जब किसी फर्म या किसी क्लाइंट के लिए काम करो तो क्लाइंट ये ना कहे कि आपको तो बताना पड़ रहा है, ठीक है। सो दैट्स अच्छा, इसके ऊपर भी काम हो चुका है, इंश्योरेंस फॉर रेंट कार इन पैरागॉन, ठीक है, इसके ऊपर काम हो चुका है, इसको मैंने सेलेक्ट करता है। ओके सो जिस तरह से रूफर वॉन्ट से चेक कर, हाँ ये है, ये करना था सॉरी, इसकी भी KD1 है। एंड इसके ऊपर भी नहीं लिखा हुआ, इसके ऊपर भी आप कर सकते हो। एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कीवर्ड का, कीवर्ड ओवरव्यू में जो है वो चेक कर लेते हैं। 600 वॉल्यूम है, इट्स इनफ, KD 1% है, SCRP है, लेकिन एक बार मैं चेक कर लूँ इस कीवर्ड के ऊपर कोई बड़ी वेबसाइट रैंक तो नहीं कर रही। नहीं, यूट्यूब वीडियोस आ रही हैं इसके ऊपर और रेडिट के ऊपर, इसका मतलब अगर ये यहाँ पे कोरा हो, पिंटरेस्ट हो, या अगर लिंक्डइन हो ना, तो ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना ये सारे सोशलाइज प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ठीक है। इनके पेजेस इतने ऑप्टिमाइज नहीं होते, हम अपना जो पेज बना रहे होते हैं उसकी ऑन पेज ऐसी प्रॉपर तरीके से कर रहे होते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे जस्ट रैंडम आर्टिकल्स लिखे होते हैं छोटे छोटे। ये चीज़ समझ रहे हो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, इस कीवर्ड के अंदर बहुत पोटेंशियल है, इसके ऊपर काम कर सकते हो आप। ठीक है,
ये चीज़ समझ आएगी। अभी मैं 4 से 5 कीवर्ड्स दिखा चुका हूँ आपको, इनके ऊपर आप काम कर सकते हो, लेकिन एक बार मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। अपडेट लाजमी करके चेक करना, क्योंकि ये 4 वीक्स पुराना डाटा दिखा रहा है मुझे। देखो वॉल्यूम आप सेकंड प्रायोरिटी पे रखो, इन डैट केस अगर आपको कीवर्ड्स नहीं मिले फिर आप सेकंड प्रायोरिटी पे वॉल्यूम रखो, समझ रहे हो? ओके सर, सेकंड प्रायोरिटी पे वॉल्यूम होना चाहिए। अभी भी 9 है तो इसका मतलब 590 सर्चिज हैं, 85%, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इसके ऊपर काम हो सकता है, क्योंकि मैंने देखा है इसके ऊपर कोई 10 यहाँ पर कोई फर्दर वेबसाइट रैंक नहीं कर रही, इसके ऊपर कर सकते हो। वॉल्यूम हमेशा सेकेंड प्रायोरिटी होता है हमारा, इतना भी नहीं हो कि उसके ऊपर 5 या 10 वॉल्यूम, ऐसा नहीं, अप्रोक्सीमेटली 200-300 प्लस लाजमी होना चाहिए, समझ रहे हो? जी सर, ठीक है। तो इस तरह से आपने काम करना होता। अब गूगल की एक नई अपडेट आई है, ठीक है, उसके ऊपर मैंने इंशाल्लाह कल आपको डिटेल में बताना। मैं ज़रा एक बार चेक कर लूँ, 5 मार्च को आई थी, मैं ज़रा लेट हो गया था, चेक करना। कोई कंप्लीट अपडेट आई हुई है गूगल की, जिसके अंदर काफ़ी कुछ चेंज किया उसने, कई वेबसाइट्स जो हैं उनको डी रैंक कर दिया गया, और प्रॉबरली जो वेबसाइट अनऑर्गेनाइज वेबसाइट्स हैं उनको भी डी रैंक कर दिया गया। मैंने एक प्रॉपर लेक्चर भी आपको देना, अब इंशाल्लाह कोशिश पूरी है, आज मैं बैक लिंक्स क्रिएट करवा के ना, मैंने आपको कल एक लेक्चर देना है जिसके अंदर मैंने आपको बताना है कि आपने एक क्वालिटी कंटेंट किस तरह से लिखना है। क्वालिटी कंटेंट मैंने आपको कल जो है ना वो कंपेटिटर एनालिसिस भी सिखाना है। कंपेटिटर को एनालाइज़ करके हम उनकी हेडिंग्स को एनालाइज़ करते हैं, हेडिंग एनालिसिस करने के बाद हम एक पूरा जो है ना वो स्ट्रक्चर बनाते हैं अपने आर्टिकल का, ठीक है, आर्टिकल का स्ट्रक्चर बनाने का, फिर हम उससे जो है ना वो रीराइट। अब एक टूल है ग्रेविटी रीराइट, ग्रेविटी राइटर, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ आउटसोर्स करने की, वो जो है ना प्रॉपर ह्यूमन में कन्वर्ट कर देता होता है ब्लॉग को। लेकिन अगर आपकी रेशियो है 20%, 60%, 70% AI, बाकी ह्यूमन जनरेटर्स को AI कंटेंट रैंक कर जाता है, अनलेस अनलेस के वो कितना ऑर्गेनाइज है, ठीक है, ऑर्गेनाइज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। वेटिंग है क्लास की ज्वाइनिंग के लिए, ओके सर, जैसा से मैं बता रहा था कि गूगल की जो लास्ट अपडेट आई है ना उसके अंदर उन्होंने क्लियरली कह दिया हुआ है कि वो वेबसाइट्स जो स्पैमिंग कर रही हैं हम उनको सर्च रिजल्ट से रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी मेन चीज़ ये है कि आपका जो कंटेंट है ना उसके अंदर यूज़र प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि यूज़र जो है जो कंटेंट सर्च करके आया वो आपकी वेबसाइट में अवेलेबल है भी कि नहीं है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपका जो है ना इंट्रोडक्शन राइट सर, बहुत ज़्यादा सर ये थोड़ा ना उस पे लिंक्डइन पे आप कह रहे थे कि शॉर्ट ना हम लिख सकते हैं वो मतलब के स्टोरी, तो वो थोड़ा सा बताइएगा उसमें हम लोग शॉर्ट आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं सर लिंक्डइन पे। लिंक्डइन के ऊपर आपने शॉर्ट आर्टिकल लिख सकते हो, ठीक है, वो आज मैंने आपको बताना है कि आपने बैक लिंक्स जो है ना वो लिंक्डइन उसके कोरा मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड है। लिंक्डइन बता दूंगा, रेडिट बता दूंगा, पिंटरेस्ट बता दूंगा, ठीक है। कोरा थोड़ा सा जो है ना इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड ये है, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन आंसरिंग होता है, लेकिन कोशिश करूंगा इसको भी आज डिटेल, कल मैंने आपको पूरा एक लेक्चर दें, क्योंकि मैंने आज देखे हैं सबके आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, उनको क्लियर आउट करना है, ठीक है। उनको क्लियर आउट कैसे करना है, कंपेटिटर एनालिसिस, आप हमेशा कंपेटिटर को भी एनालिसिस किया करो कि उसने क्या हेडिंग्स दी हैं, किस टॉपिक्स के ऊपर वो बात कर रहा है। टॉप 5 आर्टिकल्स को लो, उसको पहले एक बार, आपको पता है कि एक आर्टिकल अगर हम मैं भी AI से लिखता हूँ ना अगर, तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स लग जाते हैं सिर्फ AI से लिखने में, 30 मिनट्स लग सर, जाते होते हैं, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है सर, 30 मिनट प्रॉपर चीज़ें एनालाइज करते हैं तो बिल्कुल इतना टाइम एनालिसिस करने के, क्योंकि गूगल की जो नई अपडेट आई है उसके मुताबिक आप बहुत ध्यान से चलना चाहिए। गूगल डेली बेस पे स्मार्ट हो रहा है, ठीक है, डे बाय डे, तो उस चीज़ को कवर अप करने के लिए जो है ना वो मैंने आपको कल का लेक्चर, मैंने कल का लेक्चर कोरा के ऊपर देना था, लेकिन अब कल का लेक्चर मैं जो है ना वो कंटेंट राइटिंग के ऊपर, क्योंकि मैंने कल ही अपडेट पढ़ी है, ठीक है, जो 5 मार्च को आई है अपडेट, जिसके अंदर आपका जो है ना कंटेंट के ऊपर बहुत जोर दिया गया, गूगल जिस चीज़ को नोट कर रहा है, ठीक है। एनी हाउ लेट्स स्टार्ट, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई भी है, ठीक है।
सो अपलेट्स फॉर जैसा से मैंने कोई एक आर्टिकल बनाया, मैं उसका एक बैक लिंक क्रिएट करता हूँ। अच्छा कीवर्ड्स का पता लग गया किस से निकालने हैं? सर हाँ जी जी, सर कीवर्ड्स को सर ये प्रैक्टिस तो हम कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ रिवाइज होगी सर। लेकिन ना जैसे कि आपने कहा कि हम कंपिटिटर को एनालाइज करें, तो कंपिटिटर में जो ऊपर कीवर्ड आ रहा होगा, फिर पहले हम मतलब गूगल पे कीवर्ड सर्च के वो मतलब कि कंपिटिटर को ढूंढ लें उस कीवर्ड से ये रिलेटेड, उसके कंप्यूटर, बाद उसके जाए। ये कीवर्ड है। अब लेट्स सपोज कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद आप ये कंपेटिटर है, तीन कंपेटिटर्स हैं इसके, रेडिट आ रहा है, इसका मतलब इसके ना पोटेंशियल है। इसके अलावा ये है सर, एस क्या ई एम चीज देखी रिच, जिससे पता चला इसके अंदर जान है कीवर्ड में, रेडिट आ रहा क्या है ना चीज इसके देखी ऊपर। आप? अगर आपके सोशल प्लेटफॉर्म्स ऊपर आ रहे हैं और कम डीए वाली वेबसाइट रैंक कर रही है, इसका मतलब उस कीवर्ड में पोटेंशियल है। अब आपने इसको आर्टिकल को चेक करना है, आर्टिकल को चेक करना है, इसको ओपन करना है, उसके अंदर देखना है इसमें क्या चीज़ लिखी हुई है। ये तो शॉर्ट्स आर्टिकल ये है, चीज ज़्यादा बड़ा दोबारा आर्टिकल बताएं। नहीं है। अच्छा जी जी सर, जो हम कीवर्ड सर्च कर रहे होते हैं इसमें वॉल्यूम और कीवर्ड डिफिकल्टी और उसके साथ में रिजल्ट्स होते हैं, तो सर उसमें रिजल्ट्स किसी में मिलियंस में भी होते हैं, थाउजेंड में भी होते हैं, तो हमें कौन सा चूज करना चाहिए? रिजल्ट्स चेक करने चाहिए हमें या सबसे फिर? पहले आप रिजल्ट्स चेक करो, अगर उसके अंदर रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा हैं तो फिर दूसरे कीवर्ड को देखो। अगर सारे कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनके रिजल्ट सबसे ज़्यादा हैं तो उस जी कीवर्ड को सेलेक्ट करो जिसके अंदर जो टॉप पे वेबसाइट आ रही है वो कम डीए वाली वेबसाइट आ रही है। ठीक है अच्छा सर, सर भले उसको ज़्यादा जिसके वॉल्यूम रिजल्ट्स भी, होंगे, सर जिसके ज़्यादा रिजल्ट्स होंगे हम उसको ऑप्टिमाइज करके ऊपर भी तो ला सकते हैं कि नहीं ला सकते सर? इसी वजह से तो मैं कह रहा हूँ कम डीए वाली वेबसाइट होगी तो आपका चांस है कि आप जो है ना उसके ऊपर भी रैंक कर सकते हो। और जैसे दूसरा मिनिमम कितने रिजल्ट्स होने चाहिए, मींस देखो मिनिमम और मिनिमम मैक्सिमम? मिनिमम रिजल्ट्स नहीं देखते हम देखते हैं उसके ना डीए, डीए और सोशल वेबसाइट। अगर उसके अंदर ओके कोई ऐसी वेबसाइट रैंक कर रही है, रेडिट हो गया, उसके अलावा जो है ना फर्दर कोरा हो गया, लिंक्डइन हो गया, एंड फर्दर कोई ऐसी वेबसाइट है जिसका डीए 20 से कम है, ठीक है, तो हम उसके ऊपर जी आर्टिकल लिख देते हैं। ठीक है ठीक है सर। ओके, बाकी क्वेश्चंस फिर मैं आगे चलता हूँ। सर सोशल सोशल मीडिया सर, ये सोशल को मतलब हम देखेंगे या हम मतलब उसमें जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वो भी देख सकते हैं? ई मतलब कॉमर्स अक्सर मैंने ना अभी वो मैंने आपको बताया था कि जैसे वो जो रिबोटिक उसमें ना उसमें काफ़ी स्पेस है, लेकिन उसमें ना अक्सर हम जब ओपन करते हैं तो उसमें वो अमेजोन और वो दूसरे वेबसाइट जो ई कॉमर्स है प्लेटफॉर्म ना उनका डाटा शो हो रहा होता है। अगर अमेज़ॉन का डाटा शो हो रहा है, ठीक है, तो फिर तो आप मेरे ट्रांजैक्शन कीवर्ड की तरफ जा रहे हो और वो कीवर्ड्स नहीं। मैंने अभी तक इंश्योरेंस में जितने सर्च किए हैं अमेज़ॉन नहीं आया ऊपर, नहीं सर, टेक्नोलॉजी के ऊपर टेक्नोलॉजी में। जी टेक्नोलॉजी में 5G आप सर्च करेंगे ना, उसमें सबसे पहले आपका वो गैलेक्सी का शो करता है जी। इसी तरह उसके अंदर कुछ रिबोटिक हैं, कुछ सॉफ्टवेयर हैं उसके अंदर ना, वो आपने मतलब डीए कि देखना है, अमेज़न। डीए देखना फिर, अगर अमेज़ॉन रैंक कर रहा है तो फिर आप नहीं कर सकते, फिर नहीं कर सकते। छोड़ दो उसको। लेकिन सर अमेज़न तो सेल कर रहा होगा ना सर, हमने तो उस पर आर्टिकल लिखने होंगे ना। देखो फिर आपने जो है ना वो एक टॉपिक सेलेक्ट करना है, जैसे मैं यहाँ पे 5G लिख देता हूँ। 5G के ऊपर ये देखो ना मल्टीपल आ गए हैं, केडी सेलेक्ट कर लिए, वेरी इजी। या मैं वेरी इजी भी छोड़ देता हूँ, मैं उसको कहता हूँ कि मुझे वो दिखाओ कीवर्ड्स जिनकी 1KD है। आप देखो सैमसंग गैलेक्सी 4 5G केस, ये इसमें नहीं है बहुत सी कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स नहीं है। नोकिया गैलेक्सी केस 5G, ये कीवर्ड्स नहीं है, ये ट्रांजैक्शन कीवर्ड्स हैं। हाँ ये एक इंफॉर्मेशन ब्लॉक बन सकता है ये, कि इसके अंदर ये बता रहा है कि जिस तरह से ये कह रहा है कि हाउ मैनी पब्स फॉर 20 एमएच इन 5G, ठीक है, इसके ऊपर आप लिख सकते हो। इसके ऊपर मैं ले देख लेता हूँ क्या इसके ऊपर सिनेरियो चल रहा है।
इसके ऊपर तो बड़ी वेबसाइट्स ने ऑलरेडी ब्लॉग नहीं लिखा हुआ, ये इरेलीवेंट रिजल्ट है, ये भी इरेलीवेंट है। आप इसके ऊपर ब्लॉग लिख सकते हो, नहीं ये आ रहा रेलिवेंट डाटा, मतलब 23DA वाली वेबसाइट नहीं, इसने इसके ऊपर लिखा है बारी इर रेलिवेंट रिजल्ट है, क्योंकि उनका DA ज़्यादा है इस वजह से वो उनको शो कर रहा है। और हाउ मैनी पब्स ऑफ, नहीं इसके ऊपर कोई रेलिवेंट डाटा नहीं आ रहा, तो आप इसके ऊपर लिख सकते हो, इस कीवर्ड को आपके ऊपर आप लिख सकते हो, ठीक है सर। वो सर वो डिजिट वाला 5G डाल के देखें सर, डिजिट वाला मतलब डिजिट डिजिट में 5 डायल कर और लिखें और फिर जी लिखें, ये मुझे नहीं दिख रहा, मैंने 5 डिजिट में और ये जी है जी सर, मेरा मेरी स्क्रीन छोटी है सर, मुझे दिख नहीं रहा था सही तरह, सॉरी मैंने 5G डिजिट में लिखा हुआ सर। हाँ जी सर, आपने इसमें कौन सी एक्सटेंशन जो है वो डाउनलोड की हुई है जिसमें ये कीवर्ड डिफिकल्टीज और ये रैंक वगैरह बता सकते हैं? ओवर सजेस्ट। अच्छा सैमरी सिर्फ इस वजह से मार खाता है कि इसके अंदर ना DA नहीं बताया जाता, बस इस वजह से ही मार खाता है HREF से, उसके अंदर DA के फिल्टर्स आ जाते हैं, इसके अंदर हमें DA के फिल्टर्स नहीं मिलते, जस्ट ऊबर से ये SEMrush में और जो है वो HREF में। HREF का अपना क्राउलर होता है, मज़े की बात ये है जो मुझे भी कल ही पता लगी है कि उनका अपना क्राउलर है, क्योंकि मेरा दोस्त काम करता है HREF पे, कंपनी ने उसको अलाउ करके दिया हुआ, कहता हम मैंने मारा तो अपना HREF का अपना क्रॉलर होता है जिसके थ्रू आप किसी भी टाइम अपनी वेबसाइट को क्रॉल कर सकते हो इंडेक्सिंग में पेजेस आने के लिए। अच्छा टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग अगर किसी को कीवर्ड्स में मसला आ रहा हो तो मैं एक वेबसाइट शेयर कर रहा हूँ, ये वेबसाइट के ऊपर जो है ना वो आप को पता लग जाएगा कि आप यहाँ से कीवर्ड्स निकाल सकते हो आप। अच्छा किसी वेबसाइट से कीवर्ड्स कैसे निकालते हैं, ठीक है ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, ऐसा ही है कंट्रोल एफ दबा के सर, कंट्रोल एफ दबाएं और फाइंड कर लें, कंट्रोल एफ दबा के नहीं। अब लेट्स सपोज ये वेबसाइट है टमॉक, इसके ऊपर मेरा काम दोस्त काम कर रहे, टेक्नोलॉजी के ऊपर वेबसाइट है, ये इनके कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर ये रैंक कर रहे हैं, रिव्यू रिजल्ट्स कर लेते हैं बाकी पेजेस को मैं बंद कर देता हूँ। ओके सो अभी किसी वेबसाइट से अगर आपने कीवर्ड्स सारे निकालने हो जिस जो वेबसाइट उन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रही है, ठीक है, और आपकी भी पॉसिबिलिटी है कि आप उन कीवर्ड्स के ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है, तो वो कैसे निकाली जाती हैं। अब एग्जांपल के तौर पे जिस तरह से अब ये वेबसाइट है, ठीक है, ये 18,000 कीवर्ड्स के ऊपर काम कर रही है जो पोजिशनिंग है, और 18,000 से इस वेबसाइट के ऊपर 14,000 ट्रैफिक आ रही है सिर्फ इन कीवर्ड से, और ये मेरे ख्याल US की ट्रैफिक है। अभी यहाँ पे ये थोड़ा सा स्लो लोड हो रहा है, दोबारा कर लेते हैं एक बार। ओके सो दोबारा कर लेते हैं, ठीक है सो थोड़ा सा स्लो चल रहा है SEMrush यहाँ पे, इसको कहते हैं कंपेटिटर एनालिसिस। कंपेटिटर एनालिसिस में ये होता है कि हम कंपेटिटर के कीवर्ड्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज इन कीवर्ड्स के ऊपर ये 18,000 कीवर्ड्स है जिनके ऊपर ये 14,000 की ट्रैफिक लेकर जा रहा है, तो आप देखो ना ये किसके ऊपर काम कर रहा है, 0 KD वाले कीवर्ड्स के ऊपर भी काम कर रहा है। पता नहीं वेबसाइट क्रॉल नहीं कर रहा है ये सर, सारे कीवर्ड 0 KD वाले कैसे हो सकते हैं सर, कुछ ना कुछ तो पे KD होगी ना, ये आपको डाटा रिफ्रेश। कीवर्ड रिसर्चिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये उन कीवर्ड्स पे काम कर रहे होते हैं जिनकी KD सबसे कम होती है सर। इस तरीके से तो फिर तो जान ही छूट जाएगी, कॉपी पेस्ट मिल जाए, इस तरह की बूटी मिल जाए तो यही तो बात तो... है सर, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा काम सर कीवर्ड रिसर्च के ऊपर, कीवर्ड रिसर्च हो जाएगी तो फिर उसके बाद तो हर एक चीज की कीवर्ड रिसर्च होती है, उसके बाद ही आपकी फर्दर चीजें आती हैं, फिर उसके बाद कंटेंट आता है। ओके सो जिस तरह से अब ये वेबसाइट तो ऑन हो ही गई है, ठीक है, यानी आओ अब ये देखो
मुझे लगता है इसी वेबसाइट पे शायद मसला आ रहा है इसको, SEM रिस्क को। ओके सो मैं कल निकाल दिया है SEM डाटा। ओके सो जैसा से ये बता रहा है कि 18,000 की ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, US से, ठीक है, और तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली जो है वो ये कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर इनके पेजेस रैंक कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। फ़िल्टर आउट कर देते हैं कि हमें वो कीवर्ड्स सिखाओ जो तकरीबन 500 की ट्रैफिक ले रहे हैं। तो हमें ये वो कीवर्ड्स दिखाएगा जिनके ऊपर हम 500 की ट्रैफिक ले रहे हैं। तो आप यहाँ से कीवर्ड एक्सट्रैक्ट भी कर, इवन के कंपेटिटर से भी कीवर्ड एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अब ये देखो, ये कीवर्ड है जिसके ऊपर ये काम करें, 1.3K की ट्रैफिक है, 4KD है, ये कीवर्ड है, इसको हम चेक कर लेते हैं। इसके अलावा ये AI रिवर्स इमेज रिसर्च, देखो यहाँ से आपको कीवर्ड्स मिल रहे हैं ना, यहाँ पे भी है, इसको भी आप ले लो, इसको भी ले सकते हो। कीवर्ड्स अब आसान हो जाएंगे रिसर्चिंग। जी सर, इस तरीके से तो बेहतर है सर ना, कि आपको एक एक कीवर्ड ढूंढे उसके बाद वो आपको ये ब्लैक आसान, गूगल। जी सर, ठीक है। ये देखो इसके ऊपर इन्होंने लिखा हुआ AI रिवर्स इंजीनियरिंग, लेकिन इसकी 40 है और 2 मिलियन है। लास्ट अपडेट डाटा इसने अब अपडेट किया है, तो माइट भी शायद इसके अंदर सही इशू है, प्रोसेस को लेकिन एकदम दोबारा रिवाइज कर। ये है पैराटेनिक्स वर्सेस मैंजारो, ठीक है, इसके ऊपर आप लिख सकते हो। 13 KD है, 16 वो 1.6K वॉल्यूम है, 1.3K वॉल्यूम है, 16 KD है। और यहाँ से इसको कहते हैं कंपेटिटर एनालिसिस, कंपेटिटर के कीवर्ड्स के आप देखते हो कि वो किन कीवर्ड्स के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे आपको नहीं पता, जैसा से मैंने आपको टिमॉक बताया, आपको नहीं पता कि किस तरीके से जो है ना कोई एक वेबसाइट है जहाँ से हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, ऐसा ही है। इवन के अब इंश्योरेंस, अब मैंने टेक एग्जांपल दिया, मैं इंश्योरेंस के एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, इन डिटेल। सो अब हम क्या करेंगे कि हम एनालिसिस करेंगे, कंपेटिटर एनालिसिस। तो आज का बैकलिंक्स का मैं स्किप कर रहा हूँ, मैं ये वाला चीज़ सिखा रहा हूँ क्योंकि अक्सर कीवर्ड सर्चिंग में सारे कैंडिडेट्स को मुश्किल आ रही है। लेट्स सपोज मैं इंश्योरेंस का कोई कंपेटिटर लेता हूँ और वो देखता हूँ कि वो किसके ऊपर ब्लॉग्स लिख रहा है और उसके अंदर जो है ना वो क्या मैं उसके ऊपर रैंक कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, ठीक है। और उनकी जो है ना वो हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर HREF होता तो मैं आपको HREF सिर्फ दिखा देता, क्योंकि उसके अंदर DA का फिल्टर होता है। हम देखते हैं कम DA वाली वेबसाइट के पास ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है, तो वो कौन से कीवर्ड्स पे काम कर रहा है, फिर हम उन कीवर्ड्स पे काम करते हैं, ठीक है। ये चीज़ चेक करनी होती है। अब लेट्स सपोज वेरी इजी में जाके मैं कोई एक जो है ना वो कीवर्ड ले लेता हूँ, ओके सो जैसा से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक ये या हार्ले डेविडसन का कीवर्ड ले लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V कर लेते हैं, ठीक है। और उनकी अपनी वेबसाइट इसके ऊपर रैंक कर रही है, लेकिन मैं नीचे जाके देखता हूँ कि शायद कोई एक कम DA वाली वेबसाइट का ट्रैफिक अच्छा हो और वो भी इसके ऊपर रैंक कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पर जिस तरह से 11 ही ले लेते हैं, अब जैसा से ये एक 11 DA वाली वेबसाइट है ये, ठीक है, ये एक वेबसाइट है जो इसके ऊपर रैंक कर रही है, लेकिन ये इसके ऊपर ब्लॉग्स भी लिख रही है, लेकिन ये ब्लॉग वेबसाइट नहीं, ये कंपनी वेबसाइट है। इसको एनालिसिस कर ही लेते हैं, ये हम चेक कर लेंगे कि हम ये किन कीवर्ड्स के ऊपर काम, डोमेन ओवरव्यू में जाके एक ये वेबसाइट ले लेते हैं और दूसरे कोई कीवर्ड ले लेते हैं, जिस तरह से हम कोई ऐसा कीवर्ड लेते हैं जो इंफॉर्मेशन कीवर्ड हो, जिस तरह से ये हाउ टू इंक्रीज ये वाला Ctrl+C Ctrl+V एंटर। ओके सो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल वेबसाइट्स आ गई हुई हैं। ओके सो जिस तरह से ओके सो मेरे पास टॉप पे जो रिज़ल्ट आ रहा है ना वो यही आ रहा है कि ये एक 24 DA वाली वेबसाइट है, इसको मैं एनालिसिस करता हूँ। एक ये वेबसाइट ले ली विद SEM रिस्क, थोड़ा सा हार्ड होता है ये चीज़ निकालना। यहाँ पे मैंने सर्च कर देना और एक और मैंने ले लेना
डोमेन ओवरव्यू का, जिसके अंदर मैंने जो है ना वो एक ये वेबसाइट है, इसको मैंने देख लेना है। ये दो वेबसाइट्स को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अब ये वेबसाइट देखो, इसका जो है ना वो 18 जो है के ट्रैफिक है, ठीक है। तो ये कौन से कीवर्ड्स पे काम कर रही है? मेनली मुझे लगता है ये अपने ही कीवर्ड्स पे काम कर रही है। सो इसको हंट करने का माइट भी शायद कोई फ़ायदा हो या ना हो। हमने देखने हैं इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। और ये जो दूसरी वेबसाइट है, इसके ऊपर तो ट्रैफिक नहीं है इतनी अच्छी, तो हम इसको जो है ना वो रहने देंगे, ये वेबसाइट नहीं होगी हमारे लिस्ट, हिट लिस्ट में। ओके सो ये वेबसाइट है, इसके ऊपर सारे इंफॉर्मेशन कीवर्ड्स ही हैं। टोटल इस वेबसाइट के ऊपर जो है ना वो तकरीबन पेजेस कितने हैं, पेजेस देख लेते हैं। ऐसे हमें थोड़ा सा स्लो चल रहा है मेरे पास आज। सर क्या पता इन तो जो ट्रैफिक आ रही हो बैक लिंक से आ रही हो। ऑर्गेनिक ट्रैफिक है ये, ऑर्गेनिक ट्रैफिक रेफरल ट्रैफिक में होती है, बैक लिंक्स में नहीं होती। बैक लिंक से आपकी जो है ना पावर बढ़ रही होती है, वो रेफरल ट्रैफिक में होता है। हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक देख रहे हैं इस टाइम, ये देख रहे हैं ऑर्गेनिक सर्चेस। जी सर ठीक। ओके सो जिस तरह से दूसरी कोई वेबसाइट मुझे मिल जाए, 35 DAs आता है, 20 DAs आता है, और हमको दूसरी वेबसाइट देख लेते हैं। जिस तरह से एक ये कीवर्ड है, इसको हम, मैं लो कंपटीशन कीवर्ड इस वजह से चूज़ करूँ क्योंकि इसके ऊपर भी उसी ने लिखा होगा जो छोटी वेबसाइट होगी। हाँ ये 14 DA वाली वेबसाइट है, इसको मैं देख लेता हूँ। और ये 15 DA वाली वेबसाइट है, ये दो वेबसाइट्स को मैं एनालिसिस कर लेता हूँ। एक ये वेबसाइट है, इसको एनालिसिस, हाँ ये ज़्यादातर जो है वो ब्लॉग से लिख रहे हैं, इंश्योरेंस क्लेम्स नहीं, कंसल्टेशन वेबसाइट है। सो चेक कर लेते हैं एक बार वेबसाइट को, स्टैट्स देख लेते हैं इस वेबसाइट के। ये थोड़ा सा ना हार्ड प्रोसीजर होता है, इसके ऊपर आपको जो ना फॉलो अप करना पड़ता है। एनी हाउ ओके सो जैसा से देख लो, 290 पेज हैं और पेजेस ज़्यादा हैं उस हिसाब से। अगर ट्रैफिक इतनी है 88K, तो फिर थोड़ी लो ट्रैफिक है, तो इस वेबसाइट को नहीं मैं एनालिसिस करूँगा, इस वेबसाइट को मैं नहीं कर रहा, ये हिट लिस्ट में नहीं है, दूसरी कोई वेबसाइट देख। तो ये थोड़ा सा ना मुश्किल होता है कि जैसा मैंने टिमो का बता दिया, वो एक बड़ी वेबसाइट है, वहाँ से आप एनालिसिस कर सकते हो। क्योंकि वो वेबसाइट जो है ना वो मेरे दोस्त ने बताई थी, ज़्यादातर जो है ना वो एचरफ होना गए इसके अंदर, तो यहाँ पे हमें ऊपर ना DA का फिल्टर मिल जाता होता है, ठीक है। तो हम जब कंपेटिटिव एनालिसिस में जाते हैं ना, इस कीवर्ड के ऊपर कौन सी बड़ी वेबसाइट काम कर रही है, तो फिर वो जो है ना हमें आइडिया लेना आसान हो जाता है। फिर हम उसके वेबसाइट के सारे कीवर्ड एक्सट्रैक्ट, वेबसाइट के कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करना जो है ना वो आप डोमेन ओवरव्यू में जाते हो। डोमेन सर वो ग्रुप ओवरव्यू, में यहाँ पे क्लास में एक दोस्त बता रहे थे कि उनके पास HRF है, वो उन्होंने आपसे रब्ता किया सर, बताया उन्होंने पास। HRF है, लेकिन अभी मेरा जो है ना मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको दूसरे सिस्टम के अंदर, तो इस वजह से अभी मैं नहीं ले रहा। बाकी मैंने उनके से पूछा था ग्रेविटी राइटर का, ग्रेविटी राइटर जो है ना वो भी अच्छा टूल है, स्पिन राइटर की तरह है। ओके सॉरी, इसको एनालिसिस कर लेते हैं एंड फर्दर विल बी गो। मुझे DA चेक करने के लिए ना बार बार गूगल पे सर्च करना पड़ रहा है। ट्वेंटी डोमेन अथॉरिटी है, डायरेक्ट बेनिफिट्स, इसको मैं देख सकता हूँ। हाँ ये एक ब्लॉग वेबसाइट है और इसको हम देख लेते हैं, डेंटल ब्लॉग्स, ठीक है। सो
इसको मैं एनालिसिस कर लेता हूँ, तो यहाँ से मुझे कुछ कीवर्ड्स मिल जाएंगे डेंटल से रिगार्डिंग, क्या ट्रैफिक भी अच्छी है, ठीक है, डीए भी अच्छा है, बट्स ओके। सो यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे जाना है ऑर्गेनिक सर्चेस में, इधर जाना है व्यू डिटेल्स में। व्यू डिटेल्स में जब जाएंगे ना, तो आपको यहाँ से कीवर्ड्स मिल जाएंगे जिन कीवर्ड्स पे ये वेबसाइट काम कर रही है। सर, जिन कीवर्ड्स पे ये वेबसाइट काम कर रही है, हम तो एक आर्टिकल को सर रैंक करेंगे ना, तो ये देखो तो पूरी अभी वेबसाइट पे तो डिफरेंट वो लिखे होंगे ब्लॉग्स, उन सबके मैं क्या कीवर्ड बता आई। रहा हूँ कि देखो, ये देखो ना, मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कीवर्ड हंटिंग कि अगर आपको मुश्किल हो रही है, ठीक है, कीवर्ड हंटिंग। अब एक जो है ना आर्टिकल एक कीवर्ड पे रैंक नहीं करता, एक आर्टिकल मल्टीपल कीवर्ड्स पे रैंक करता है, ये चीज़ समझ आई है कि नहीं? यहाँ पे 11,000 कीवर्ड्स नहीं आ लेकिन रहे, हम तो इन्होंने फोकस 11,000, एक ही कीवर्ड पे कर रहे होते हैं। हाँ, आपका एक आर्टिकल एक कीवर्ड पे रैंक नहीं करता। एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हो, विजडम टीथ रिमूवल रेनो, विजडम टीथ रिमूवल मिप्सिस, ये दोनों एक ही आर्टिकल हैं, ये तीनों, 1, 2, 3, 4, ये चारों कौन से हैं? ये देख रहे हो आर्टिकल, ये भी आर्टिकल सेम है, ये भी सेम है, ये डिफरेंट है, ये सेम है, 1, 2, 3, 4, मतलब चार कीवर्ड्स के ऊपर कौन सा आर्टिकल रैंक कर रहा है? एक ही आर्टिकल करता है। मैंने ये चीज़ बताई थी आपको कि आपने इसी वजह से रिलेटेड कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं, ये होते हैं रिलेटेड कीवर्ड्स। जब भी हम आर्टिकल्स लिख रहे होते हैं तो हमने रिलेटेड कीवर्ड्स भी ऐड करने, जैसे से विजडम टूथ मैंने आपको बताया था, आपने ये वाले जो आ रहे हैं ना, ये वाले, ये जो आ रहे हैं, इनको भी अपनी प्रॉम्प्ट्स के अंदर ऐड करना होता है। बिल्कुल बताया था आपने। आप समझ रहे हो, एक आर्टिकल 3-4 कीवर्ड से भी ज़्यादा रैंक कर जाता है उन कीवर्ड्स के ऊपर। ये चीज़ क्लियर हुई? कौन है क्लास के अंदर, कोई आया भी कि नहीं? हिलजुल तो कोई भी नहीं आ हाँ जी, हाँ जी है। रही। बेसिकली मैं, मेरे सामने ये स्क्रीन प्रेजेंट नहीं होती, मेरे सामने होती है दूसरी स्क्रीन प्रेजेंट, ठीक है? ये चीज़ ओके क्लियर ओके हुई? जी सर। अब सर यहाँ से आप जैसा से ये देखे ना, एक ये आर्टिकल है, हम्स ग्लोबेक्स, इसको ले सकते, ये सारा उसने डेंटल इंश्योरेंस के ऊपर लिखा हुआ है, और ज़्यादातर उसने विजडम टीथ रिमूवल के ऊपर लिखा हुआ है, और एक ही आर्टिकल इन सारे कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहा है, ये देख रहे हो, एक ही आर्टिकल है ज़्यादातर जो इन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहा है, विजडम टूथ। तो आपने क्या चीज़ चेक करनी होती है? अब किसी बंदे, मैं मुझे लगता है किसी ने लिखा हुआ है इसके ऊपर आर्टिकल विजडम टूथ रिमूवल के ऊपर, मैं देखता हूँ। सो उसने क्या करना है, इसको एनालिसिस करना है कि इस बंदे ने क्या चीज़ मेंशन की है अपने आर्टिकल के अंदर। ये बंदा टॉप पे रैंक कर रहा है, एक आर्टिकल मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर काम कर रहा है, ये वाला, ये 23 फेब को लिखा था, ठीक है। अच्छा, मेन चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम अरे आर्टिकल्स रैंक करने लग जाते हैं ना, तो हम उसको दोबारा अपडेट भी करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंटेंट। अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो आपसे ऊपर भी दूसरे आर्टिकल रैंक करने लग जाएंगे जिन्होंने आपसे बेहतर लिखा होता है। तो हमें अपने आर्टिकल्स को अपडेट करना पड़ता है, पुराने आर्टिकल्स को, ताकि वो स्टिल रैंकिंग में जाएं। ये भी मैंने आपको अभी सिखाना है, अभी तो बहुत कुछ सीखने को पड़ा हुआ है, ठीक है। सो कीवर्ड रिसर्चिंग, किसी किसी वेबसाइट से कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करने आ गए, जी सर आ गए हैं वो। यस आज सर। आए क्या? नहीं, ओके। जी सर आ गए। सो अभी इसके अंदर ये ऊपर है कंपेटिटिव रिसर्च, ये होता है कीवर्ड गैप्स। कीवर्ड गैप्स में आगे जाके बताऊंगा आपको क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर हमें अपनी वेबसाइट भी ऐड करनी पड़ती है। हम ये देखते हैं कि हमने कौन से कीवर्ड्स के ऊपर काम किया हुआ है, उस वेबसाइट ने कौन से कीवर्ड्स पे काम किया हुआ है, एनालिसिस करते हैं दो वेबसाइट का। एग्जाम्पल के तौर पे जिस तरह से अब ये एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट को ले लेते हैं, लेकिन इसने तो सिर्फ डेंटल इंश्योरेंस पर लिखा हुआ ना, तो इस वजह से इसका एनालिसिस करना बनता नहीं है,
एनी हाउ फिर भी मैं कर लेता हूँ। और दूसरी तरफ इंश्योरेंस का ही ले लेते हैं हम। कंट्रोल वी एंड कंपेयर, तो यहाँ से आप कंपैरिजन भी कर सकते हो कि आपने कौन से कीवर्ड्स के ऊपर काम किया हुआ और वो कौन से कीवर्ड्स के ऊपर काम कर रहे हो। ठीक है, जैसे से ये देखो, यहाँ से आपको जो है ना कीवर्ड कैप्स मिल जाते होते हैं, जैसे से ग्रीन कलर के जो है ना। अब ये किसकी वेबसाइट है? ब्लॉक डॉट वेब सॉल्यूशंस। ये किसकी है? उनकी वेबसाइट है। ठीक है, सो यहाँ से हमें जो है ना कंपैरिजन मिलता होता है मिसिंग कीवर्ड्स, ये वाले मिस कीवर्ड्स हैं। ठीक है, जो हम लिखे नहीं हुए अभी तक। एड कंपेटिटर, योर डोमेन, रूट डोमेन, सब डोमेन, एंड हमें यहाँ पे ना बेसिकली हमें रूट डोमेन का एनालिसिस होता है, सब डोमेन का एनालिसिस नहीं आ रहा होता, सॉरी। हमें यहाँ पे रूट डोमेन एंटर की हुई है, सब डोमेन का एनालिसिस बहुत मुश्किल होता है, रूट डोमेन्स का ही होता है। रूट डोमेन बेसिकली मेरी वेब डिस्क्रिप्शंस है, तो इस वजह से जो है ना वो हो तो वो एक थोड़ा सा जो है ना वो एक अच्छा बन जाता है। जिस तरह से ये है, ऑल कीवर्ड डिटेल्स फॉर ब्लॉग डॉट वेब डिस्क्रिप्शंस, ये ब्लॉग डॉट वेब डिस्क्रिप्शंस में कीवर्ड्स हैं। ये मिसिंग कीवर्ड्स हैं जो हमने ऐड नहीं किए हुए और उस वेबसाइट ने ऐड किए हुए, देख रहे हो? तो ये होता है रूट एनालिसिस। आगे जाके मैं आपको ना डिटेल में बताऊंगा क्योंकि टाइम शॉर्ट है। सो आज का लेक्चर जो है ना बस यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, आज मैंने आगे फर्दर बताना था सोशल के अंदर, लिंक्डइन और पिंटरेस्ट के ऊपर, लेकिन फिल वक्त क्योंकि कैंडिडेट्स को बहुत मुश्किल हो रही है कीवर्ड रिसर्चिंग में, कीवर्ड रिसर्चिंग स्ट्रांग करनी है, ये समझ आया कि कीवर्ड कैसे सर्च करना है? कीवर्ड्स मिल जाएंगे आप? हाँ जी, हाँ जी, हो गया। यस सर, कीवर्ड्स मिल जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी जी सर, आज इस तरीके से प्रैक्टिस करके देखते हैं सर, इंशाल्लाह बाकी फिर कल बताएंगे आप। रूट डोमेन्स को और साथ कंपेटिटर एनालिसिस लाजमी किया करें, कंपेटिटर से भी आपको अक्सर कीवर्ड्स मिल जाते होते हैं। ठीक है, बाकी जो है ना अब मैं एक एक्सेल फाइल शेयर कर रहा हूँ टुडे की, तो उसके अंदर क्या होगा कि मैं डेट वाइज मेंशन कर दूंगा। अब सब कैंडिडेट्स हैं, मंथ की एक्सेल फाइल होगी, तो सब कैंडिडेट्स हैं उधर जो है ना, जो जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम लिखे होंगे, और वहाँ पे आपने अपने आर्टिकल का लिंक शेयर करना होगा जो बंदा लिख रहा है आर्टिकल। ठीक है, ठीक है सर, ओके हो गया। सर आप गूगल डॉक की फाइल शेयर कर दीजिएगा उसमें ना, क्योंकि मैं उसमें ऐड नहीं हूँ, मेरे पास उसका एक्सेस नहीं है। गूगल डॉक का? चले मैं गूगल सर। डॉक एक्सेल कर, चले मैं शेयर कर दूंगा फाइल आज। ठीक ओके है, सर, कीवर्ड आप ठीक हंटिंग में मुश्किल तो नहीं होगी? नहीं होगी। नो सर। चले चले ठीक है, ओके फिर सर। कल की क्लास की रिकॉर्डिंग जो है वो मैंने कर अपलोड करती हुई है सारी, आज ही अपलोड करनी है बस। और ये अभी तक जितनी सर क्लासेस कीवर्ड होगी ढूंढना हमने मुश्किल तो अपलोड होगी, लेकिन हम निकाल लेंगे। सर कीवर्ड ढूंढने मुश्किल तो होगी, काम करेंगे तो काम होगा। देखो कीवर्ड रिसर्चिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने जाना है वेब डिस्क्रिप्शंस में, और यहाँ पे जाने के बाद आपने जाना है इधर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग्स। ये इंटर्नशिप के अंदर जाके आपने लास्ट लेक्चर देख लेना है, उसके अंदर जो कल की क्लास थी वो रिकॉर्डिंग थी, ये मैंने बताया था। ये सर आज वाली भी जल्दी कर दीजिएगा, क्योंकि ना आज वाली में भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है सर। चलो आज वाली मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है फिर, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह, हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।